रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाइए। और ये क्वेश्चन आता है सीधे के सीधे 5 नंबर में, सबसे बड़े नंबर में हर साल आता है। 19 में, 20 में, 21 में कोविड के चक्कर में नहीं हुआ था बोर्ड एग्जाम, 22 में, 23 में, 24 में शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है भाई, इस साल भी आएगा, लगातार पूछा जा रहा है, 22, 23, 20, ठीक है, तो 24 में भी आएगा मान के चलिए। निम्न पदों को वर्णन कीजिए और प्रत्येक पद का एक एक उदाहरण दीजिए, हर साल आता है। टिप्पणी लिखने के लिए हर साल एग्जाम में आता है, किस पर, संचारण और विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखने के लिए हर साल एग्जाम। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, इस वन शॉट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कक्षा 10 की जो विज्ञान है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं वो हम सारा करने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्टिव, छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, देखो 2022 में भी पूछा गया और 23 में भी पूछा गया है, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, ऊपर की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, ये बताना है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अगर यहाँ से देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, Fe2 है, O3 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम और O3 ने एक साथ साझा कर लिया और बेचारा जो Fe है वो अलग रह गया यहाँ पर, देख पा रहे। तो जब एक चीज अकेला रह जाता है उसे हम प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं ना, प्रतिस्थापन कर दिया या फिर विस्थापन कर दिया, अलग कर दिया उसको, तो ऐसे अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कि ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, कह रहे हैं ये जो क्वेश्चन है, 2FeCl3 और 2H2O प्लस वाई किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इस y का मान बताओ कि यहाँ y का मान क्या होगा। तो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, कई बच्चे इसको याद करने लगेंगे, इसके जगह कुछ और आ गया फिर क्या करोगे। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। देखो Fe कितना है यहाँ पर, 2 से गुणा कर दोगे, Fe हमारा 2 है, ठीक है। क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2×2=4 और ये भी है 2, तो क्लोरीन इधर से 4 और इधर से 2, कितने हो गए, 6। उसके बाद यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 और यहाँ से 2, हाइड्रोजन हमारे पास है 4। उसके बाद सल्फर हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास इधर कितना है, 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरफ आ जाओ, देखो Fe कितना है हमारे पास, 2 से गुणा हो जाती है, 2 Fe है। क्लोरीन कितना है हमारे पास, 3×6 है क्लोरीन, क्लोरीन भी 6 है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, देखो 2×4 है हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ठीक है, और कुछ, और कुछ नहीं है। सो देखो अब इस वाई का मान बताना है, तो अब काटो, इधर Fe2 है, इधर Fe2 कट गया, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6 कट गया, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 कट गया, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 कम करोगे तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा ऑक्सीजन, तो यहाँ से एक H बच गया और एक O2 बच गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, SO2। आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, SO2 होगा। क्या ऑप्शन में है, SO2 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है, कोई भी चीज़ है ऐसे करना है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, AgCl प्रयुक्त होता है, श्वेम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, AgCl, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे आ जाओ, कह रहे हैं दी गई रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत ही फेमस उदाहरण है ये जो उदाहरण है बहुत ही फेमस है, ये जो उदाहरण मैं आपको बता दूं, ये द्विविस्थापन का भी है और अवक्षेपण अभिक्रिया का भी है। कैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है वो देखो, यहाँ पर क्या है हमारा BaCl2 है और यहाँ हमारा H2SO4 है, और यहाँ क्या बन रहा है BSO4। देखो यहाँ से इसने Ba ले लिया और यहाँ से इसने SO4 ले लिया, तो Ba ने मिलाप किया है SO4 के साथ और इधर से H2 ने मिलाप किया है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। तो देखो दो आयनों की क्या हो रही है, अदला बदली हो रही है,
तो ऐसे इसको क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन में है? सर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये जो BaSO4 है ये एक अवक्षेप होता है। ये क्या होता है बच्चों? एक अवक्षेप होता है, ठीक है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के दौरान कुछ अवक्षेप बचा हुआ रह जाता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसका उदाहरण है। क्या पता आपके एग्जाम में ये आ जाए कि बताओ भैया अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के उपरांत एक अवक्षेप बचा हुआ रह जाता है, और उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, ठीक है, वो काला हो जाता है। तो वो इस तत्व का नाम क्या होगा? 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉपर होता है बच्चों, क्या होता है? कॉपर। अगर हम कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे ना, तो वो क्या हो जाती? काली पड़ जाती है। तो उस तत्व का नाम क्या? कॉपर है, ठीक है। मैंने पूरी NCERT पढ़ा रखी बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। विज्ञान में अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो देखो बच्चों, आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। NCERT में दो तरीके के प्रश्न होंगे, एक तो बॉक्स के प्रश्न होंगे जब किताब पढ़ रहे हो बॉक्स में, और एक अभ्यास का प्रश्न होगा। ये सारे प्रश्न आपको बना के ही जाने हैं, और ये सब मैंने पढ़ा रखा है। उसके साथ साथ दूसरा काम आपको करना है, क्वेश्चन बैंक में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते वो बनाओ, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस। अगर ये चीज करके रहे हो, मेरे वीडियोस में सारा चीज कवर है, तो आपको टॉपर बनने से, विज्ञान में 100 नंबर में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत आसानी के साथ सब मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसका उदाहरण है? देखो कार्बन हमारे पास है, कार्बन, ठीक है, वायु में जला रहे हैं प्लस O2, ठीक है, जला रहे हैं, हीट किया तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो ये कैसा उदाहरण है? ये क्या है? दो अभिकारक है। इधर क्या होता है बच्चों? अभिकारक होते हैं। इधर क्या होता है? अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को हम अभिकारक कहते हैं, और ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट बना है, उत्पाद, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक ही तत्व बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो ये है भैया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ये किसका है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र ये होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। कह रहे जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनों के विनिमय मतलब आदान प्रदान से, अदला बदली से। तो क्या बनता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया बनता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन का मतलब जलाना, जलाने वाले अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम अपचयन कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो रिविजन भी मैंने बना रखा है 30 मिनट के अंदर, उस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। क्योंकि रिवीजन करने के बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो और शानदार हो जाएगा, वैसे तो आ ही रहा होगा समझ में। तो देखो यार निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? दहन जब हम करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन चाहिए होता है। और देखो तुम कपड़ा ले लो, जैसे इसको ही अगर मैं जला दूं अभी, है ना, जला दूं लाइटर से, तो ये जलेगा, जलने के साथ साथ क्या निकलेगा? काली धुआं निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और ज्वाला भी निकलेगी, प्रकाश, है ना, ऊष्मा निकलेगी। तो दहन क्या होगी? जैसे हमारे पास ये प्लस O2 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर C है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये जो अभिक्रिया, ये हमारी दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण है।
इन किस बाकी तीन ऑप्शन में किसी में भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा, ऊष्मा नहीं निकल रहा, तो वो दहन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और किसी भी अभिक्रिया में O2 नहीं है। अगर जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के कभी जलेगी ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है, जलेगी ही नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, बार बार आता है, ठीक है। और इस टॉपिक पे मैंने एक अलग से 40 मिनट की वीडियो बना रखी है, ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने नॉर्मल वाला भी और शाब्दिक वाला दोनों तरीके के प्रश्न रखे हैं। इस प्रश्न को देख लेते हैं, 2020 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। ये जो प्रश्न है थोड़े इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन कम आते हैं, हालांकि 2023 में पूछा गया, तो मुझे लगता है इस साल जो आएगा ना वो नंबर वाला आएगा, इस तरीके के प्रश्न आएंगे, ठीक है, जो कि मैंने करा रखा है, अभी आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले ये जो कुछ क्वेश्चन है, अच्छा बोर्ड एग्जाम की खासियत पता क्या होती है, जो क्वेश्चन पूछा गया है ना ऑलरेडी, फिर से वही क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है। अब यही जो क्वेश्चन है ना पिछले 10 सालों में कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं हम क्या बार बार आपको जोर देते हैं कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ज़रूर बना के जाना। क्यों बोलते हैं, दो फायदे हैं, अच्छे क्वेश्चन भी हमें पता लग जाते हैं और क्वेश्चन देखोगे बार 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 रिपीट हो रहा है, तो यही क्वेश्चन हो सकता है इस साल दोबारा आ जाए। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ना तो उसके दोबारा आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, नया क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक। क्या बोल रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके, ये दोनों अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट Na2SO4 बना रहे हैं और जल बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। यहाँ दो जो से जो मैं गुणा कर रहा हूँ ये बाद में किया है मैंने, ठीक है, तो ये प्रॉपर आना चाहिए H2SO4 NaOH Na2SO4 H2O, और संतुलित करना है तो इधर दो से गुणा करना पड़ा, क्योंकि इधर दो से गुणा क्यों करना पड़ा, सोडियम कितना है इधर, दो है, इस तरफ एक था, तो एक को दो बनाने के लिए हमने दो से गुणा कर दिया। जैसे ही दो से गुणा किया, सोडियम दो हो गया, ऑक्सीजन मेरा दो हो गया और हाइड्रोजन भी मेरा इधर से दो हो गया, हाइड्रोजन इधर दो और इधर दो, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, चार हो गए, और हमारे पास इधर दो से गुणा अभी तक नहीं किया था, हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, दो है, तो दो को चार बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, दो से, तो हमने यहाँ दो से गुणा किया था, ठीक है, दो से जब गुणा करेंगे हाइड्रोजन भी चार हो गया, ऑक्सीजन भी दो हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है, चार और ये दो छः, चार और ये दो छः, संतुलित हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फास्फोरस, फास्फोरस का मतलब पी, क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस का मतलब Cl2, ये जो दो और पाँच है मैंने बाद में लगाए हैं, जलकर, जलकर मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 देता है, ठीक है, ये दो पाँच बाद में लगे हैं। अगर मैं यहाँ लिख के दिखाऊँ, हमारे पास फास्फोरस है और क्लोराइड, उसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा मतलब पाँच, ये दे रहा है। अब इसको संतुलित करना है, देखो, ठीक है, इसको संतुलित करना है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन क्यों है, देखो क्लोरीन इधर कितना है, पाँच है और यहाँ दो है, तो जब ऐसे आ जाए, है ना, पाँच और दो आ जाए, तो नियम क्या होगा, यह जो पाँच है इधर आ जाएगा और ये जो दो है इधर आ जाएगा, सिंपल। अब देखो क्लोरीन कितना हो गया, पाँच दूनी दस, क्लोरीन कितना हो गया, पाँच दूनी दस, लेकिन फास्फोरस मेरा कितना हो गया, दो हो गया, अब फास्फोरस यहाँ एक है, एक को दो बनाने के लिए क्या कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे, ये संतुलित हो गया, जो इतने इधर होंगे वही उतने उधर होने चाहिए, ठीक है, सेम इधर आ जाइए। जिंक, जिंक का ZN है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3, ठीक है, क्या दे रहा है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस नाइट्रेट, सिल्वर यानी कि Ag, और ये जो हमने संतुलित किया है, इधर दो से गुणा करना पड़ेगा और इधर दो से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमने बाद में किया है, कैसे, ठीक है, सो यहाँ देखो, अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर दूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, जगह कम है ना, ZN इधर है, Ag इधर है, NO3 का ट्वाइस, ठीक है, तीर का निशान, इधर हमारा है ZN NO3 का ट्वाइस, प्लस में है Ag, ठीक है, ये है। अब देखो बच्चों, इसको अगर हम खोलेंगे, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस ऐसे प्रश्नों में बच्चे दिक्कत करते हैं, दिक्कत क्या करते हैं, देखो ऐसे प्रश्नों में टेक्निक बता रहा हूँ, ZN है, इसको खोल देना है आपको,
ए जी, ये हो गया एन टू, और तीन दुनी छः, ठीक है। और इधर तीर्घ में इधर क्या है, जेड एन एन टू और तीन दुनी ये क्या हो गया छः, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया छः, और इधर हमारा है ए जी। अब देखो तुम उतना बराबर है कि नहीं है, इधर जेड एन एक था, इधर भी जेड एन एक था, एन इधर दो है, इधर एन दो है, ऑक्सीजन इधर छः, इधर ऑक्सीजन छः, ए जी इधर है, इधर है, ठीक है। तो ये लगाने की भी जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम का एम जी हाइड्रोक्लोरिक एच सी एल क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया था, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन निकालता है। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है एम जी सी एल टू। तो यहाँ देखो ये हो गया, अब यहाँ देखो ये टू हमने बाद में लगाया, ये टू स्टार्टिंग में नहीं था, कैसे था, इधर एम जी एक है, इधर एम जी एक है, इधर क्लोरीन दो है और इधर क्लोरीन एक था, तो एक को दो बनाने के लिए हमने दो से गुणा किया, क्लोरीन तो दो बन गया लेकिन हाइड्रोजन में कितना हो गया, दो हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन दो था तो संतुलित हो गया। तो ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, या तो शाब्दिक वाला आएगा या ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और ऐसे मैंने इतने ही नहीं बहुत सारे करा रखे हैं, और आएगा ही आएगा, चार नंबर में तीन नंबर में ज़रूर आएगा। जैसे अगर इसको देखें, ठीक है, ये वाला सिंपल सा देख लो, पहले एल्यूमिनियम में एच सी एल है, ए जी सी एल प्लस एच टू है, यहाँ एल्यूमिनियम एक है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम एक है, ठीक है, यहाँ क्लोरीन कितना है, तीन है, और यहाँ क्लोरीन सिंगल है, ठीक है, यहाँ क्लोरीन सिंगल है। तो देखो यहाँ अगर तीन है तो क्लोरीन को तीन बनाने के लिए मैं तीन से यहाँ गुणा कर दूंगा, तीन से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो देखो क्लोरीन तो मेरा क्या बन गया, तीन बन गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, दो है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, तीन है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे ये जो मेथड होता है ट्राई एंड एरर मेथड होता है, ये शानदार क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन 23 में आया, वो भी 23 में कैसे आ गया, हर पेपर में चार से पांच सेट बनते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट का बच्चा होगा उसका पेपर कुछ अलग होगा, आपका कुछ अलग होगा, ठीक है। तो आपके सेट पे कौन सा आ जाए कुछ नहीं कह सकते, तो तैयारी करके जानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या पता चला कि भैया यहाँ हाइड्रोजन दो है और यहाँ हाइड्रोजन तीन है, तो तीन और दो समान तो नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे ना, तीन और दो का क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो तीन दुनी छः होता है, तीन दुनी क्या होता है, छः होता है, तो मैं यहाँ पर छः से गुणा कर दूंगा, तीन से नहीं, छः से गुणा करूंगा। छः से जैसे गुणा करूंगा क्लोरीन छः हो जाएगा, हाइड्रोजन भी मेरा छः हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्लोरीन कितना है भैया, तीन, तीन को छः बनाने के लिए दो से गुणा करना पड़ेगा, तो ये तीन दुनी छः हो गया, एल्यूमिनियम भी मेरा दो हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, छः है, तो छः को बन दो को छः बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तीन से गुणा करना पड़ेगा, कर दिया। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, दो है, तो इधर दो बनाने के लिए इसमें दो से गुणा करना पड़ेगा, ये अब हमारा क्या बन गया, संतुलित हो गया। शानदार क्वेश्चन है, करके जाओ बच्चों, नहीं तो पछताओगे बाद में। यहाँ आ जाते हैं इस वाले में, देखो ऑक्सीजन इधर कितना है, दो है, इधर ऑक्सीजन दो और तीन है, ठीक है, ऑक्सीजन तीन, तीन संतुलित नहीं है। इधर हाइड्रोजन कितना है, चार है, और इधर हाइड्रोजन दो है, ओके, और कार्बन इधर एक है, इधर भी कार्बन एक है, तो हाइड्रोजन को पहले संतुलित करना है। इधर चार है, इसको चार बनाने के लिए मुझे इसमें दो से गुणा करना पड़ेगा, दो दुनी चार, हाइड्रोजन चार हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, दो, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर भी दो है, चार हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना है, दो है, तो दो को चार बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, दो से गुणा करना पड़ेगा, कर दिया गुणा, हो गया संतुलित। इधर कार्बन एक है, इधर कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन चार है, ऑक्सीजन दो दुनी चार है, ऑक्सीजन दो दुनी चार है, हो गया संतुलित। अब ये वाला जो प्रश्न है इसको देखो कैसे करेंगे, पहले पहले खोल लेंगे पहला वाला, बी ए दो से अंदर गुणा करेंगे, ओ टू एच टू, फिर यहाँ पे आ जाओगे, ये है एच बी आर, ठीक है, तीर का निशान, फिर क्या है बी ए बी आर टू, और यहाँ है एच टू एस फोर, ठीक, ये चीज़ें। अब आप देखो भाई, सबसे पहले देखेंगे इधर बी ए एक बार है, इधर भी बी ए एक बार है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ दो है और ऑक्सीजन यहाँ पर चार है, संतुलित नहीं ऑक्सीजन। उसके बाद बी आर,
बीआर यहाँ दो है और इधर एक ही है, तो बीआर को दो बनाने के लिए मैंने इसमें दो से गुणा कर दिया। बीआर तो मेरा दो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? दो हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो है और यहाँ दो, चार हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? दो है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को चार बनाने के लिए मुझे दो से गुणा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो चार हो गया, सल्फर भी दो हो गया और ऑक्सीजन भी आठ हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन भी कितना हो गया? आठ हो गया। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पर दो है। ठीक है, और उधर ऑक्सीजन कितना है? देखो भैया, उधर ऑक्सीजन कितना हो गया? आठ है। कुछ तो गड़बड़ है, H2O है ना, मैंने H2SO4 लिख दिया है, तभी मैं कह रहा हूँ कि तो गड़बड़ है। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ देखो H2O है। ठीक है ना, अब सही है। अब मैं कहूँ यहाँ क्या हो रहा है ये भयंकर, ये दो दुनी। देखो ऑक्सीजन यहाँ दो है और यहाँ पर ऑक्सीजन दो है। ठीक हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, देखो, और यहाँ पर हाइड्रोजन दो और दो चार है, दो दो चार हो गया, बी एक है, बी एक है, संतुलित हो गया। बस इसमें दो से गुणा करना पड़ा, इसमें दो से गुणा करना पड़ा। इस वाले में आ जाओ, यहाँ देखो के सी एन यहाँ पर है, ध्यान से देखो, लिख लेता हूँ पहले H2SO4 K2SO4 और यहाँ है HCl। ठीक है, आप देखो संतुलित करेंगे, यहाँ कितना है के, एक बार है, इधर के दो बार है, तो दो को एक करने के लिए दो से गुणा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, दो से यहाँ गुणा कर दिया, के इधर दो बार हो गया, कार्बन कितना हो गया? दो हो गया। ठीक है, कार्बन यहाँ पर दो हो गया, HCN है। ठीक है, कार्बन यहाँ पर दो हो गया। अब देखो इधर कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ दो है और यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, एक को दो बनाने के लिए दो से हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। हाइड्रोजन दो बन गया, सी भी दो बन गया और एन भी दो बन गया, और यहाँ पर सी भी दो है, एन भी दो है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना यहाँ पर दो है, उधर भी दो है, पोटेशियम दो है, इधर भी पोटेशियम दो है, एस इधर एक है, इधर भी एस एक है, ऑक्सीजन चार है, उधर भी ऑक्सीजन चार है, संतुलित हो गया। ठीक है, संतुलित हो गया। ये वाला आपको खुद करना है, ठीक है, ये खुद करना, क्योंकि सेम टॉपिक पे मैं अगर करता रहूंगा तो आप बोर हो जाओगे, है ना। बाकी ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर नहीं हो पाते, अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना है, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो फिर वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखे, जाके देख लेना। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्या निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देख रहे हो, रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, आता ही आता है, हर साल में ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित का केवल अभिक्रिया लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये हमारा जिंक है और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, डाइल्यूट, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है, आप सांद्र भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, देखो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ क्रिया करता है, ठीक है, तो ये क्या है, जिंक, जिंक के साथ क्रिया करेगा तो ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ये ऑलरेडी संतुलित है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है तो गैस का चिन्ह ऐसा होता है, एरो ऊपर जा रहा होता है, तो बस ये रिएक्शन याद करनी है, भले ये याद करो या ना करो, ये रिएक्शन याद कर लो लिख लिख के, रिएक्शन हमेशा लिख लिख के याद होता है, आप 10 बार भी पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे, भूल जाओगे, लेकिन 10 बार पढ़ोगे और 10-20 बार कॉपी में लिखोगे, यानी कि एक बार पढ़ना है तो दो बार कॉपी में लिखना है, तभी आपके दिमाग में वो रिएक्शन हमेशा बैठा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, एल्यूमिनियम चूर्ण Al के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो हमें ये अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड देता है, Al(Cl3) देता है, और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ये होगी, और फिर बाद में इसको संतुलित किया है, इसमें दो से, इसमें तीन से, छह से, दो से गुणा करना होगा, तब जाके ये संतुलित होगा। अगला रिएक्शन है, सोडियम ऑक्साइड को जल के में घोला जाता तो क्या होता है, तो ये सोडियम ऑक्साइड है Na2O, ठीक है, ये जल है, तो जब घोलेंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा
और इसमें 2 से गुणा करना होगा तो ये संतुलित हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इस साल भी आएगा, तैयारी कर लेना। और आपको पता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है भाई, इस साल भी आएगा, लगातार पूछा जा रहा है 22, 23, 20, ठीक है तो 24 में भी आएगा मान के चलिए। नाम से स्पष्ट है ऊष्मा क्षेपी, जिसे दहन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी का मतलब क्या हुआ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इतनी सी बात है, तो ये लिखा है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है या उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्मा क्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण ये मैंने आपको लिखा है, तो ये हमारा मीथेन है, ये हमने जलाने के लिए ऑटो चाहिए ही चाहिए, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और ऊष्मा निकलेगी। ये रिएक्शन जरूर देना है, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, अगर ये रिएक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर 2 की जगह 1 नंबर मिलेगा, तो इसके साथ ये जरूर लिखना है, उदाहरण रिएक्शन जरूर देना है, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान हमें ऊष्मा की जरूरत महसूस होती है, जरूरत पड़ती है, उसे हमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये लिखा है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे ये N2+O2, इसमें ऊष्मा निकलती नहीं है, इसमें अवशोषित होती है, तो माइनस लिखेंगे, जिसमें निकलती है उसमें हम प्लस लिखते हैं, जिसमें अवशोषित होती है उस पर हम यहाँ माइनस लिखते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि एक रिएक्शन देख के बताना है कि भैया कौन सा ऊष्मा क्षेपी है और कौन सा शोषी, अगर प्लस में ऊष्मा है तो ऊष्मा क्षेपी है, अगर माइनस में ऊष्मा है तो वो ऊष्मा शोषी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 2023 में ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो 2024 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है कि इस साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, वैसे ही बार बार आता है, और पिछले साल जबकि नहीं आया था तो इस साल आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया को हम अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, अपोपचय अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। यही मैंने यहाँ लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन ही हुआ है, ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ घटित होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण आप रट लीजिए, ठीक है, आपको उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। तो ये देखो कि Cu+H2 है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड का हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और इसका उल्टा होता है उपचयन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखो हाइड्रोजन है, अकेला था, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या लग गया, ओ लग गया, जुड़ गया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ये अपचयन अभिक्रिया और ये जो उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, एक साथ संपन्न हो रही है। तो भाई साहब ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है अपोपचय अभिक्रिया का, रेडॉक्स अभिक्रिया का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ये आप बोल सकते हैं निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे ये बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल दे रहा है। सो देखिए ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल्ड
फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, फिर क्या दे रहा है जल H2O। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है जिंक, जिंक का मतलब Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। फिर क्या दे रहा है जिंक नाइट्रेट, फिर क्या दे रहा है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस, फिर क्या दे रहा है सिल्वर Ag। और फिर संतुलित करने के लिए यहां पर 2 से गुणा होगा और यहां पर 2 से गुणा होगा, ठीक। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते, निम्न पदों को वर्णन कीजिए और प्रत्येक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। हर साल आता है, टिप्पणी लिखने के लिए हर साल एग्जाम में आता है। किस पर? संचारण और विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखने के लिए हर साल एग्जाम में आता है। ये भी मान के चलिए इस साल भी आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। संचारण क्या होता है? जंग लगना। देखो, जब हम किसी लोहे की वस्तु को या किसी मेटल को, धातु को, किसी नमी वाले जगह पर, ठीक है, जहाँ प्रकाश नहीं आ रहा है, अगर हम वहाँ पर रख दे, खुले व्यवस्था में छोड़ दें, तो कुछ दिनों बाद उस पर एक भूरी भूरी रंग की परत चढ़ने लगती है। तो हम उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि वह संचारित हो रही है। संचारण क्या करता है? संचारण होने से धातु की जो जो कठोरता है वो धीरे धीरे उसको समाप्त कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के प्रमुख उदाहरण है। संचारण को तुम कैसे रोक सकते हो? पेंट करके, धातु की वस्तु में पेंट करके हम रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता क्या होती है? जो खाना तेल में बनता है, फैट में बनता है, अगर उस खाने को हम कई दिनों तक खुले में छोड़ दे, ठीक है, कई दिन भी मत छोड़ो, आज तुम कोई खाना बनाओ फ्राई करके, ठीक है, तेल में वसा में बनाओ और उसको तुम कल खाओ, तो उसका जो कुरकुरा बन है, उसका जो टेस्ट है वो बेकार होने लगेगा अगले दिन से, उसमें से बदबू आने लगेगी। तो इसी को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता। विकृत माने बेकार, गंधिता मतलब सुगंध और दुर्गंध, क्यों बोलता है दुर्गंध, गंधिता का मतलब दुर्गंध से है, ठीक है। जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। अचार, मुरब्बो को अगर खुली वायु में रखने पर वो खराब हो जाती है, चिप्स के पैकेट है, ठीक है। और इसको हम कैसे बचा सकते हैं? अगर हम इसको ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने दें तो यह सही रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं आप, जो लेज होता है, कुरकुरा होता है, पूरा हवा भरा रहता है, और दुकानदार को जाके बोलते हो भाई चिप्स दे दो, लेज दे दो, लेकिन उसमें आप बोलते हो भाई हमने हवा के पैसे थोड़ी नहीं दी, तो इतना इसके अंदर इतना है, पूरा हवा भरा हुआ फूला हुआ रहता है ना, वो हवा होती है नाइट्रोजन, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्या करता है? उस खाद्य पदार्थ को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है और उसका जो कुरकुरापन है, सुगंध है, टेस्ट है, वो बरकरार रहता है, ठीक है। तो विकृत गंधिता होने से कैसे बचा सकते हैं? अगर खाद्य पदार्थ को हम डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने दें तो उसको हम विकृत गंधिता होने से बचा सकते हैं। कैसे? अगर उसको हम नाइट्रोजन में प्रवाहित करके रखें तो उसको बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए। देखो 2020 में आया, 22 में, 23 में नहीं आया है, 24 में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ऑक्सीकरण का मतलब है उपचयन अभिक्रिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऑक्सीजन का जुड़ना बोले तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सीधी सी बात है। तो जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग, सहयोग का मतलब जुड़ना, या हाइड्रोजन का त्याग घटना होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या फिर इसको हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण, जैसे ये कार्बन है प्लस O2 है, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। H+O2 है, SO2 बन गया, ठीक है। तो ये एक दो रिएक्शन याद कर लो, वही बहुत है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कह रहे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है,
प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए और ये क्वेश्चन आता है सीधे के सीधे 5 नंबर में, सबसे बड़े नंबर में हर साल आता है। 19 में, 20 में, 21 में कोविड के चक्कर में नहीं हुआ था बोर्ड एग्जाम, 22 में, 23 में, 24 में भी आएगा, पक्का पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, 24 में भी आएगा। तो क्या होता है भाई, देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थों के परमाणु या अणु का पुनर्विस्थापन होता है और एक या अधिक नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कई अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, और उस उत्पाद के जो गुण धर्म होते हैं, जो गुण होता है वो जो अभिकारक हमने लिया था उससे अलग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो अभिक्रिया वैसे दो प्रकार की होती है, एक भौतिक अभिक्रिया होती है और एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया में एक अवस्था से तुम दूसरी अवस्था में आए तो दूसरी अवस्था से तुम पहली अवस्था में आ सकते हो, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ है, एक अवस्था से तुम दूसरी अवस्था में गए तो दूसरी से तुम पहले में नहीं आ सकते कभी भी। जैसे अगर भौतिक का उदाहरण दूं, बर्फ है, बर्फ को मैंने गर्म किया पानी बन गया, पानी को मैंने ठंडा किया फिर बर्फ बन गया, तो ये भौतिक उदाहरण है। लेकिन रासायनिक का मैं अगर बताऊं, जैसे दूध से तुमने दही बना दिया है ना, तुम दही से दूध फिर नहीं बना सकते, बना सकते हो क्या, नहीं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में उसे कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कई अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दें और उत्पाद के जो गुण होते हैं अभिकारक से अलग होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार की होती है। सबसे पहला आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले क्या जाता है, संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन का मतलब जुड़ना। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एकल उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं। देखो ये जो अभिकारक है ना, ये दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो उत्पाद होगा वो एक ही होगा, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जरूर देना है, मैं पहले बता रहा हूँ, उदाहरण रिएक्शन जरूर देना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो उदाहरण, नेक्स्ट अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब पता चले, अलग होना। ठीक है, अलग होना। ठीक है, जैसे इसमें, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हमारा अभिकारक होता है वो एक होगा, लेकिन उत्पाद दो या दो से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहां पर क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक अभिकारक है, टूट कर जब इसको हम हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो दो उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट विस्थापन क्या होता है, अलग कर देना। भाई जो ताकतवर आएगा कमजोर को उठाकर बाहर फेंक देगा, यही दुनिया के नियम है, ये हर जगह चलता है भाई, ये हमारे बीच में हर जगह हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन में भी यही देखने को मिलता है। क्या है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके अलग कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। नाम से स्पष्ट है, विस्थापन मतलब अलग करना। जैसे उदाहरण देखो, ये ZN है और ये कॉपर सल्फेट है, तो ZN जो है ना वो ज्यादा ताकतवर है कॉपर सल्फेट से, तो ZN क्या करेगा, आएगा इस कॉपर को उठा के फेंक देगा, अलग अलग कर दिया और उसके जगह पे ये आके बैठ गया, तो ये क्या बना देगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है भाई, ये विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, आयनों की अदला बदली होती है इसमें। ठीक है, आयनों की अदला बदली, तो इस प्रकार की अभिक्रिया में दो अभिकारकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है और दो यौगिक नए बनते हैं। जैसे देखो ये NaCl है, ये AgNO3 है, तो Na और यहाँ से हमारा NO3 एक साथ आ जाएंगे और यहाँ से Ag और Cl एक साथ आ जाएंगे, तो यहाँ से आयनों की क्या हुई, अदला बदली और दो नए यौगिक बने। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, आराम से बन गया।
ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगला है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। मैंने अभी आपको बोला था उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है, उपचयन, और इसी का उल्टा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, उसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। देखिए, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक अभिकारक में ऑक्सीजन का संयोग होता है और दूसरे अभिकारक में हाइड्रोजन का विलोपन मतलब वियोग होता है, कमी होती है, ठीक है। और अपचयन में क्या होता है, एक अभिकारक में ऑक्सीजन का, ठीक है, ये होता है, मतलब ये अभी यहाँ पे जो काले काले में लिखा है ना, ये उपचयन की परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने तो वैसे समझा ही दिया है। देखो, ये एम जी है, ये ओ टू है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या बन गया, एम जी ओ। तो ये उपचयन अभिक्रिया का एक क्या है, उदाहरण है। तो आपको मैंने हर चीज जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है वो आराम से समझा दिया है, ठीक है। पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एनसीईआरटी के बॉक्स के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अभ्यास के क्वेश्चन, ये पूरे रटे हुए होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी का वन शॉट रिविजन, एनसीईआरटी के प्रश्नों पर आधारित प्रश्न, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये देख लेते हो तो तुम्हें भगवान भी ऊपर से आके नीचे आकर नंबर कम लाने से रोक नहीं पाएगा, मतलब कम नंबर नहीं दे पाएगा, ये मैं बोलो, नंबर अच्छे ही आएंगे, पूरे में से पूरे आएंगे, ठीक है। भगवान भी नहीं रोक सकता आपको अच्छे नंबर आने से, ठीक है। मैं भगवान के यहाँ इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ प्रभु, ठीक है। भगवान तो हम सबके दिल में बसते हैं ना, जय श्री राम। तो देखो, भगवान दिल में बसा के रखो और मेहनत कड़ी करो तो तुम्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, और इसके बाद हम सीखेंगे दूसरा चैप्टर जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसकी भी वीडियो की लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट आना चाहते हैं कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं।